आश्वासन समन मिला है ईडी की तरफ से। अरविंद केजरीवाल को चार समन में अरविंद केजरीवाल नहीं गए थे, अब क्या आम आदमी पार्टी की अगली भूमिका रहेगी, क्या अरविंद केजरीवाल जाएंगे पांचवा समन का जवाब देने के लिए? हमें अभी पांचवें समन की जानकारी मिली है, हमारी लीगल टीम इसको स्टडी कर रही है और जो भी कानून के दायरे में उचित होगा हम वैसल करेंगे आगे। क्या आम आदमी पार्टी ये कह चुकी है पहले प्रियंका कि ये समन गैर कानूनी था, आपने ये भी कहा था कि कोर्ट में ये समन टिक नहीं पाएगा, अरविंद केजरीवाल खुद समन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में पांचवे समन का जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल या आगे आप लोग फिलहाल लीगल टीम से चर्चा करने के बाद ही कोई टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़ा किया था चुनाव से पहले? देखिए चार जो पहले समन आए थे वो गैर कानूनी थे, हमने ईडी से हमने जवाब मांगा था, जो अब पांचवा समन आया है उसको हमारी लीगल टीम स्टडी कर रही है, जो भी लीगल टीम बताएगी हम लॉ के दायरे में रहकर ही स्टेप क्या माना जाए स्किप करेंगे पांचवा भी। पांचवा समन मिला है ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को चार समन में अरविंद केजरीवाल नहीं गए थे, अब क्या आम आदमी पार्टी की अगली भूमिका रहेगी, क्या अरविंद केजरीवाल जाएंगे पांचवा समन का जवाब देने के लिए? हमें अभी पांचवें समन की जानकारी मिली है, हमारी लीगल टीम इसको स्टडी कर रही है और जो भी कानून के दायरे में उचित होगा हम वैसल करेंगे आगे। क्या आम आदमी पार्टी ये कह चुकी है पहले प्रियंका कि ये समन गैर कानूनी था, आपने ये भी कहा था कि कोर्ट में ये समन टिक नहीं पाएगा, अरविंद केजरीवाल खुद समन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में पांचवें समन का जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल या आगे आप लोग फिलहाल लीगल टीम से चर्चा करने के बाद ही कोई टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़ा किया था चुनाव से पहले? देखिए चार जो पहले समन आए थे वो गैर कानूनी थे, हमने ईडी से हमने जवाब मांगा था, जो अब पांचवा समन आया है उसको हमारी लीगल टीम स्टडी कर रही है, जो भी लीगल टीम बताएगी हम लॉ के दायरे में रहकर ही स्टेप क्या माना जाए स्किप करेंगे पांचवा भी।